जाति सूचक शब्द एवं अपमानित कर घर में घुसकर गाली गलौज व मारपीट के साथ जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अवनीश कुमार पुत्र स्वर्गीय ब्रजपाल सिंह निवासी मछरिया थाना कटघर ने SP कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए अवनीश कुमार पुत्र स्वर्गीय लाल सिंह निवासी ग्राम थाना कटघर ने बताया कि उसने अंतरजातीय विवाह किया था जो पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था। अवनीश कुमार ने शिकायती पत्र के माध्यम से बताया कि उसकी पत्नी से काशीराम नगर निवासी एक व्यक्ति ने कुछ रुपए उधार लिए थे। उस व्यक्ति ने जल्द ही पैसे लौटाने का वादा किया था, लेकिन पैसे वापस मांगने पर ऋषभ गुप्ता ने अपने परिचितों के साथ मिलकर उमेश कुमार के साथ मारपीट करते हुए उसे जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित किया। लाठी डंडों से बुरी तरीके से मारा, जिस पर आसपास के लोगों ने बामुश्किल बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। अवनीश कुमार ने इसकी शिकायत थाना मंझोला में प्रार्थना पत्र देकर की, लेकिन पुलिस द्वारा कोई उचित कार्यवाही न किए जाने पर अपनी पत्नी के साथ SSP कार्यालय पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए कार्यवाही की मांग की है। ये मेरे हस्बैंड हैं, इनके साथ और मेरे साथ मेरे सगे मामा हैं, वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं क्योंकि हमने अदर कास्ट में शादी की है। ये जाटम है, मैं अग्रवाल हूँ, इसी में मारपीट भी करते हैं, कहते हैं चमटने वटने, मतलब जाति सूचक शब्द प्रयोग करते हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसे हमें जीने तो दे नहीं रहे हैं बिल्कुल, बहुत बदनामी हमारी कर रहे हैं और ऐसे इस तरीके के बदतमीज बहुत दिखाते हैं। हमने काशीराम चौकी में भी थाने में भी रिपोर्ट की, लेकिन वहाँ जो क्या कहते हैं अंकुर नाम का एक पुलिस कहते हैं काशीराम चौकी में हमें मिले, उन्होंने भी हमें बदतमीज बोले, चमार को चमार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, और ये सब बोलकर डांटा बट्टा हमें निकाल दिया वहाँ से। हम ना हमारी वहाँ कोई सुनवाई हुई ना मझोला थाने में कोई सुनवाई हुई। शादी को कितना समय हो गया? शादी को हमारे 3 साल हो गए हैं, हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहाँ हुई थी आपकी शादी? शादी मेरी मछरिया से इनसे हुई है। 3 साल हो गए, 3 साल के बाद अब आपत्ति किस बात की जता रहा है? आपत्ति उन्होंने हमसे पैसे लिए थे और पैसे मांगने पे उनके लड़के और लड़के भी बुला लिए थे, तो मन चले गए, इनके साथ मारपीट की गई बहुत। कितना पैसे दिए थे? 6500 रुपये हैं हमारे। ये क्या करते हैं? ये मिनी मेट्रो चलाते हैं। क्या नाम है हस्बैंड का आपका? क्या उसकी शिकायत कहाँ की आज? आज हम कप्तान साहब के पास आए हैं। क्या हम ही चाहते हैं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।